वहीं सीधा ले चलते हैं आपको अगली बड़ी खबर की ओर। ये यूपी के प्रयागराज से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का ये मामला है, जिसको लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नत करने के लिए अब TET जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला आज लिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें कि साल 2010 से पहले नियुक्त सहायक अध्यापकों को राहत दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नत करने के लिए TET की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि ये साल 2010 से पहले नियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए राहत भरी खबर है। ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। शिव कुमार पांडे और अन्य की याचिका पर कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि साल 2010 से पहले नियुक्त सहायक अध्यापकों को ये बड़ी राहत दी गई है। बड़ी संख्या में सहायक अध्यापकों के प्रमोशन का भी रास्ता अब सीधी तरह से साफ हो गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें कि शिव कुमार पांडे और अन्य लोगों की याचिका पर कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है। बड़ी संख्या में सहायक अध्यापकों के प्रमोशन का रास्ता अब साफ हो गया।